हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो हम 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए बुआ, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इनका जो है वो वर्गमूल कहता है ज्ञात करने के लिए। 4 में है 30.05 है, तो ये जो है वो 30.25 को लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको हम भाग विधि से ही बनाएंगे। तो देखिए जो हुआ यानी दो दो पे जो हुआ रेकनिंग दे दीजिएगा, ऊपर में रेकनिंग हम दे दिए। अब देखिए 30 जो हुआ किस संख्या के वर्ग के बीच में है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो ये दोनों के बीच में है, तो कौन वाला कौन है 25 है, तो हम 5 से ही लगाएंगे यहाँ पे। तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 से हम लगाए तो 5 को इसको जोड़ भी देंगे, तो 5 5 10, 30 में से 25 जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 25 को अब हम उतार देंगे। देखिए दशमलव वाली बाद वाली संख्या को उतार रहे हैं तो 1 दशमलव यहाँ पे दे देंगे, अब जो हुआ दशमलव दे देंगे। अब देखिए इकाई स्थान पे 5 है तो ये 5 से ही लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 से लगा दीजिए, 105 5 से जो है वह यानी कि 525 होता है। ठीक है, और ये जो है वो हम 5 लगाए तो 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, और देखिए बुआ ये हमारा पूरे पूरे कट गया, इनका वर्गमूल कितना हो गया, देयर फोर ये जो है वह 30.25 का वर्गमूल जो है वह 5.5 आया है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये 4 नंबर था। अब देखिए 5 नंबर इनका क्या है, तो 5 नंबर में जो है वह 7.29 है, 7.29 है। तो देखिए वह लास्ट से जो है वह रेकनिंग लगाइए, लगा दिए। अब देखिए 7 ये जो है वह किन से लगेगा, तो ये जो है वह यानी कि 2 2 के 4 3 3 के 9, ये जो है वह 2 2 के 4, ये जो है वह 2 से लग जाएगा, 2 2 के 4। ठीक है, 2 से हम लगाए तो 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा तो ये 3 और ये 2 और 9 उतार देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह 7 से लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 9 है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, ये जो है वह 9 है तो इसीलिए हम 7 से लगा देंगे, तो 7 से लगा देंगे तो ये जो है वह 47 7 ये जो है वह 329 होता है। देखिए दशमलव वाला बाद संख्या उतारे हैं तो यहाँ पे दशमलव भी दे देंगे। ठीक है, ये जो है वह 7 इसमें हम जोड़ भी देते हैं तो ये जो है वह हमारा पूरे पूरी सब कट जाएगा, तो इसीलिए जो है वह ये जो है वह 7.2 जो है वह 2 9 का यानी कि वर्गमूल निकाले हैं तो कितना आया हुआ है 2.7, तो 2.7 जो है वह इनका क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 5 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका, देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर 0.1681 है, 0.1681 है। तो देखिए वह इस तरीका से खींच दीजिएगा और जो है वह देखिए लास्ट जो है वह दो पे जो है वह यानी रेकनिंग लगाइएगा और ये जो है वह सिंगल बच गया है, सिंगल 0.0 है तो यहाँ पे 0 और 0.0 दे दीजिएगा। देखिए 0 से हम लगाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 16 ये जो है वह 4 का स्क्वायर 16 होता है तो हम 4 से लगा देंगे, तो 4 चौके 16, ये 5 नंबर है। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से लगाए 4 जोड़ भी देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और ये 81 ये एक बार में लग जाएगा तो 81 हो जाएगा, 1 को जोड़ देंगे ये देखिए देयर फोर इनका वर्गमूल कितना आया हुआ है, यानी कि जो है वह यहाँ पे लिखिए देयर फोर ये जो है वह 0.1681 का जो है वह वर्गमूल आया 0.41, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह 4, 5, 6 ये जो है वह तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।